बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मिसेस मसूद और आप देख रहे हैं राजा मसूद फूड यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार से वेज लॉलीपॉप की रेसिपी। बहुत मज़े के होते हैं और बहुत जो है वो आसानी से घर में बनाए जा सकते हैं। तो बनाने से पहले मेरी तरफ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, तो बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको जल्दी से मिल जाए। तो चलिए मिलकर बनाते हैं ये क्रिस्पी खूबसूरत से जो है वो मज़ेदार से लॉलीपॉप कैसे बनाए जाते हैं और इन्हें बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं ये क्रिस्पी और खूबसूरत से वेज लॉलीपॉप। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले हमारे पास ये जो है वो हाफ के जी हमने आलू लिए हैं, बॉयल, फुल बॉयल है ये। इनको हम मैश कर लेंगे। हमारे आलू अच्छी तरह जो है वो मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे ये एक प्याली जो है वो बारीक चॉप किया हुआ प्याज है। ये हमारे पास बॉयल जो है वो गाजरे हैं। एक प्याली बॉयल जो है वो मटर है। सब्ज मिर्चे हैं बारीक कटी हुई, सुरख मिर्चे हैं यानी कि चिली फ्लेक्स, खुश्क धनिया पाउडर है, सुरख मिर्च पाउडर है, चाट मसाला पाउडर है और नमक है। अब अच्छी तरह जो है वो सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही जो है टेस्टी है स्नैक्स हैं। वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा। अच्छी तरह जो है ये इस तरह सारा मज़ा जो है वो मिक्स हो चुका है। तो अब यहाँ पे हम जो है वो एक चम्मच की मदद से लेंगे और इस तरह जो है वो सारे बॉल्स बनाते जाएंगे। सारे जो है बॉल्स हमने बना के रेडी कर लिए हैं। मशल कितने कलरफुल और खूबसूरत जो है वो देखने में लग रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बॉल में हमने 3 से 4 चम्मच जो है वो मैदा ले लिया है। तो अब हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च, मिक्स करेंगे। पानी डालेंगे, उसकी पतली सी जो है वो स्लरी बना लेंगे। इस तरह के जो है ना ही बहुत ज्यादा थिन और बहुत ज्यादा थिक, इसको साइड पे करेंगे। अब यहाँ पे एक बॉल में हमने जो है वो ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। तभी हम अपना एक बॉल लेके जो है वो मैदे में डिप करेंगे।
तो ये जी फाइनल हमने सारे बॉल्स जो है वो तैयार कर लिए हैं। तो अभी हम इनको फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हमने जो है वो गोल्डन फ्राई अच्छा सा प्यारा सा कलर आने तक जो है फ्राई कर लेना है। उल्टते पलटते रहेंगे साथ साथ। अभी थोड़ी देर हमने इनके चम्मच नहीं चलाना, ये खुद खुद ऊपर आते जाएंगे जब थोड़े से फ्राई हो जाए। तो फ्लेम जो है हमने मीडियम ही रखनी है क्योंकि तेज़ आंच पे जो है वो ब्रेड क्रम्ब जल जाएंगे। वैसे तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पकी हुई हैं लेकिन सिर्फ जो है अच्छा सा गोल्डन कलर आने के लिए हमने फ्राई करना है। माशाल्लाह जी हमारे जो है वो बॉल्स का बहुत प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। तो अब हम इनको निकाल लेंगे। माशाल्लाह जी बहुत प्यारे। फाइनली जी फाइनली आप देख सकते हैं बहुत क्रिस्पी, बहुत ही गोल्डन, बहुत ही जो है वो खूबसूरत से जो है हमारे क्रिस्पी लॉलीपॉप्स जो है वेज लॉलीपॉप्स तैयार हैं। आप इसे टी टाइम के साथ लें, मेहमानों को सर्व करें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। इंशाल्लाह सबको ये रेसिपी जो है वो पसंद आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको भी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है प्लीज़ लाइक और शेयर भी कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।